गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैलीलियो ऑब्जर्वेशन. व्हाट वी स्टडीड अबाउट गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, इन दैट गैलीलियो पिक्ड अप टू इंक्लाइन प्लेन एंड सेड दैट व्हेन वी रोल अ मार्बल विल रोल डाउन अबाउट एन इंक्लाइन प्लेन एंड रीच अ हाइट फ्रॉम विच इट इज रिलीज. एज यू सी हियर, वी हैव टू इंक्लाइन प्लेन्स. If we roll down a marble from a height of almost 10 meter, the marble will reach on the other side at the same height 10 meters. If we inclined it horizontally, then the marble will also travel at the same distance and try to cover at the same height. अब देखो, गैलीलियो ने कहा कि अगर ये 10 मीटर की हाइट है और अगर हम इधर से रोल करें एक मार्बल को, तो ये मार्बल इधर भी 10 मीटर के हाइट तक ही जाएगी. जैसे जैसे इसका इंक्लाइनेशन हम कम करते जाएंगे, तो ये मार्बल जब तक 10 मीटर के हाइट तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. अल्टीमेटली अगर इधर वाले प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल कर दे, तो ये मार्बल तब तक चलती चली जाएगी जब तक इसको जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है वहां तक ना पहुंचे. लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? अगर हम मार्बल को यहां से ड्रॉप करें तो क्या ये इनफिनिटली चलती चली जाएगी? तो ऐसा क्यों हुआ? तो गैलीलियो ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है. अगर इसको हम लोग रोल करें, थोड़ा इसको पीछे ले लो, अब यहां से इसको रोल करना. अगर इस मार्बल को हम रोल करके जाने दें तो अल्टीमेटली ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी. तो रुकती क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण. तो गैलीलियो ने यही समझाया कि कोई भी बॉडी तब तक मूव करती चली जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है. अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो ये बॉडी मूव करती चली जाती. लेकिन रियलिटी में हम फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करते हैं, इसलिए कोई भी बॉडी रुक जाती है. न्यूटन ने इन्हीं चीजों को स्टडी करके अपने 3 लॉज दिए, जिनको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. इसमें पहला नियम गैलीलियो को ये स्टडी करके उन्होंने बताया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है. क्लियर है?